हेलो गाइस हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो गाइस आज हम चेक करने वाले हैं कि आपका आज का दिन दैट इज़ ट्वेंटी एथ ऑफ़ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी कैसा निकलने वाला है इन दी मैटर्स ऑफ लव लाइफ रिलेशनशिप करियर वाइज एंड ओवरऑल आपका दिन कैसा रहेगा तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग विद दी हेल्प ऑफ टैरो तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लव लाइफ या रिलेशनशिप वाइज आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है तो आपके लिए दो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं फर्स्ट इज़ दी हेरोफिन कार्ड और दूसरा कार्ड जो आया है राधा माँ आपको खुद ब्लेस करने आई है तो अगर या अगर आपके रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से बिगड़े हुए थे विथ योर फैमिली मेम्बर्स आपके दोस्तों के साथ या फिर विथ योर लव्ड वन या आपके लवर के साथ आपके हस्बैंड वाइफ के साथ तो वो आज उनके सुधरने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हारमोनी एंड हीलिंग तो आज आपके रिलेशनशिप में हर हीलिंग जो है हो सकती है अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम्स तो बिल्कुल आपके पर्सन आज आपको कॉल या मैसेज करने के काफ़ी हाई चांसेस हैं अगर आप अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ आपके रिलेशनशिप थोड़े ख़राब चल रहे हैं तो आज आप दोनों यू नो उस चीज़ में सुलह कर सकते हैं एंड आज आपके पर्सन आपको काफ़ी लोगों के पर्सन आपको आज मैरिज के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं या काफ़ी लोगों की मैरिज जो है आज फिक्स हो सकती है या आज आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हैं बिकॉज राधा माँ जो है वो सोलमेट हैं तो बिल्कुल आप अपने सोलमेट से भी आज मिल सकते हैं एंड अगर आपके अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से सही नहीं चल रही थी लड़ाइयाँ वगैरह ऐसे कुछ चल रहा है। तो बिल्कुल आज जो है आप में काफ़ी कुछ डिस्कशन uh, हो सकते हैं या फिर यू you नो know, एक हारमोनी आ सकती है खुशियाँ आ सकती हैं आपके घर में तो कोई भी गुड न्यूज़ मिल सकती है आज आपको बिकॉज कार्ड जो है एक मेजर खाना कार्ड आया है तो बिल्कुल आज कुछ बहुत मेजर हैप्पीनेस या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इन दी मैटर्स ऑफ लव लाइफ रिलेशनशिप वाइज अगर हम बात करें आपके करियर वाइज तो करियर वाइज़ में भी आप लोग आज किसी नए कोर्स में एनरोल कर सकते हैं या आप लोग हायर स्टडीज़ करने के बारे में सोच सकते हैं आप लोगों का ध्यान जो है आज काफ़ी जो स्टूडेंट्स उनका ध्यान काफ़ी आज अपने पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रहेगा एंड आप लोग आज कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे आज आपके जो आपके जो दिमाग के जो होराइजनज हैं या आपके दिमाग का जो एक यू नो रेंज है आप उसको काफ़ी आप ओपन करने वाले हैं बिकॉज आप क्राउन चक्र का भी कार्ड आया है तो बिल्कुल आज आप काफ़ी नॉलेजेबल इंट्यूशनल एंड आप काफ़ी अपने कंसाइंस को फॉलो करने वाले हैं आज, आज आप मे बी यू नो कोई नई नॉलेज लें कुछ नया सीखें इन एनी थिंग मे बी इन कुकिंग इन स्टडीज़ किसी भी फील्ड में आप कुछ नया सीख सकते हैं एंड अगर हम जनरली आपके हम बात करें डे की सो दैट विल बी काली माँ का कार्ड है दैट इज़ मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग दिस इज़ योर चांस टू सोल्व तो बिल्कुल आज आपकी लाइफ में कुछ मेजर कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है कुछ आप नया सीख सकते हैं आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपका एनलाइटनमेंट हो सकता है या जनरली आज आप बहुत ही यू नो पीसफुल फील कर सकते हैं अपनी लाइफ में आप मे बी आज आप थोड़ा स्पिरिचुअल फील करें मे भी आज आपका ध्यान पूजा पाठ में या डिवाइन की तरफ कॉड की तरफ ज़्यादा रहे या आज मे भी आपका आप थोड़ा सा यू you नो know, वर्शिपिंग या कुछ मंत्र वगैरह पढ़ना या ऐसे में आपका ध्यान थोड़ा ज़्यादा रह सकता है बट ओवरऑल आज आपका दिन मुझे काफ़ी पीसफुल काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है एंड यहाँ पे जो है दो सोलमेट कार्ड्स आए हैं जो काली माँ है वो भी सोलमेट है ट्विन फ्लेम है और जो राधा माँ है वो भी सोलमेट ट्विन ट्विल्थ फ्लेम है तो मे बी आज मे बी आज अपने सोलमेट से आप मिल सकते हैं अगर आप काफ़ी टाइम से सेपरेशन में थे विथ योर सोलमेट तो आज आप दोनों का यूनियन होने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं एंड uh, आप आज काफ़ी नॉलेजेबल भी बन सकते हैं बिकॉज आपके लिए विजडम कार्ड है एक्सपैंड होराइजन्स कार्ड है आप मे भी सोच सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्री के लिए अप्लाई करना या फिर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ स्टेट के लिए कुछ कोर्स के लिए अप्लाई करना बट आज आपका क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिव हो रहा है आज अपने दिमाग से आप decisions लेने वाले हैं अपनी लाइफ के लिए अपनों की लाइफ के लिए आज आप दिल से नहीं सोच के आप दिमाग से जो है ज़्यादा सोचने वाले हैं अपने इंट्यूशनस को आप ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं आज एंड ओवरऑल आज आपका दिन काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप जो है काफ़ी सुधरते हुए दिख रहे हैं मुझे आज के दिन एंड आज जो है आप लो एनर्जीज में नहीं रहेंगे आपकी एनर्जीज जो हैं काफ़ी हाई रहने वाली है आज आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान ना देखें आप एक बिगर पिक्चर जिसे हम कहते हैं उस पर ध्यान देने वाले हैं एंड आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल पाथ को आज फॉलो करने वाले हैं एंड ओवरऑल आज आपका दिन मुझे काफ़ी हैप्पी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है सो गाइज आई होप कि आज आपका दिन बिल्कुल ऐसा ही निकले जैसा कि हमारी रीडिंग में आया है हम एक और कार्ड हम आपके लिए पुल करते हैं कि कैसा रहेगा आपका दिन ट्वेंटी एट 2020। टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी चलिए हम आपके लिए कार्ड पुल करते हैं फॉर टुडे सो वी है वाटअप वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट तो बिल्कुल आज आप लोग काफ़ी सॉफ्ट नेचर्ड बनने वाले हैं आपकी हीलिंग होने वाली है आप एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले हैं मैंने कहा भी था कि आप जो है मे बी uh, आप छोटी छोटी मुद्दों पे ध्यान ना दे के आज आप यू नो पिक्चर पे ध्यान दें आप लोग आज काफ़ी खुद में ही इतने पीसफुल रहने वाले हैं अपनी हीलिंग करने वाले हैं यू नो पूजा पाठ में आप ध्यान देने वाले हैं बिल्कुल आप जो है अपने दिल और दिमाग की शांति के लिए बिल्कुल आज आप मे बी जो डिवाइन है उन उनका साथ लेने वाले हैं सो बिल्कुल आपका ध्यान आज बहुत ही पॉजिटिव ज़्यादा रहने वाला है और आप बिल्कुल आप प्योरीफाई अपने माइंड बॉडीज होल्ड को करने वाले हैं मे बी अपना दिन स्टार्ट करें विथ योगा और सम मेडिटेशन बट ओवरऑल आज आप बहुत ही प्योर हील्ड फील करेंगे और आप इंट्यूशनली आज आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं सो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग फॉर टुडे I hope you like this reading. And if you like, please do like, share, and subscribe to my channel. And I wish you a very happy 28th December. Bye, Bye guys.